हेलो जी, राम राम जी। क्या हाल चाल आप सभी के? आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है आपके अपने चैनल हरियाणा आर्मी पर। और आज के वीडियो होने वाली है बहुत ही ज्यादा खास विद न्यू अंदाज, क्योंकि आज आप यह वीडियो बनाने वाले हैं इन्फॉर्मेटिव वीडियो। और यह वीडियो होगी पासपोर्ट के ऊपर। आप बात करेंगे इंडिया के पासपोर्ट की। आज के टाइम पर करंट सिचुएशन में पासपोर्ट इस तरह का हुआ है इंडिया का, और इसके बारे में थोड़ी सी आपने इन्फॉर्मेटिव चीजें भी बताएंगे। आपने बतावेंगे किस तरह हो करता 100 साल पहले का पासपोर्ट, अंग्रेजा के टाइम पर कैसा पासपोर्ट हो करता, किस तरह वो अप्लाई हो करता और कब वो पहली बार बनया था। थाना सारी इन्फॉर्मेशन देवांगे इस वीडियो में, बने रहो आखिर तक। तो सबसे पहले बात करेंगे इंडिया के करंट पासपोर्ट के बारे में। हम अपनी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो इस तरह का पासपोर्ट वो है। असल में थाना सारे ने बेरो होगा किस तरह का पासपोर्ट वो है आज की कंडीशन में इंडिया का। तो यू जो सा पासपोर्ट है यू इंडिया में बनाया जा रहा है और यू इशू हो है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ऑफ रिपब्लिक ऑफ इंडिया के द्वारा। और ये जो इसका मेनली पर्पज है यू इंटरनेशनल ट्रैवल खातर यूज हो है, पर आप इसने एज ए प्रूफ ऑफ आईडी कि आप इंडिया के सिटीजन हो एज पर द पासपोर्ट एक्ट 1967 के द्वारा यह चीज उसने प्रूव करा है। जिस तरह आप बहरे देश समझावा किसी की पीआर हो जाए तो सब तक मेनली जो उसकी कंडीशन क्या होगा भी उठेगा सिटीजन और जदि माना जाएगा जब उस पर उस कंट्री का पासपोर्ट होगा। तो सेम सिचुएशन है इंडिया के अंदर। इंडिया के अंदर 93 पासपोर्ट ऑफिस हैं जब आप पासपोर्ट बनवा सकते हो, और आपकी हर एक स्टेट में लगभग हर एक जिले में मिल हो जाएगा यू जो सा पासपोर्ट ऑफिस है। तो ये थाने बतावांगे कि 100 साल पहला किस तरह के हुआ करें थे इंडिया के पासपोर्ट, ब्रिटिश इंडियन पासपोर्ट किस तरह के हुआ करें थे, जो अपने स्वतंत्रता सेनानी थे मैं किस तरह जाए करते बहरले देशों में, और क्या उन्हें अलाउड करे करें थे अंग्रेज अफसर कि तुम बहर जा सको हो, और उनका क्या पासपोर्ट बनाया जाता था, अगर बनाया जाता था तो किस तरीके का दिखे करे था उनका पासपोर्ट, किस तरह इशू हुआ करता, कौन सी जिले में था, कौन सी स्टेट में था इशू हुआ करता, जो सब बड़ा इंडिया था रिपब्लिक ऑफ इंडिया बनता है पहला। अगर आप इस पासपोर्ट की बात करें तो इसके लुक की बात करें, इसके आउटसाइड जो है वो ब्रिटिश लोगो वगैरह था जो आज भी इंग्लैंड सरकार में उस इन्हें यूज किया जावा है। और यू अलाउड था आज के करंट में पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार, जिसमें पहला आप बर्मा भी कह करते थे, यू पासपोर्ट ओठा अलाउड होकर था उनके जो सिटीजन है उस एरिया के में इस चीज ने यूज कर सके थे। अगर आप इसकी बात करें तो यू वैलिड था ब्रिटिश अंपायर खातर, इटालियन अंपायर खातर, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रिया, जर्मनी, स्पेन, नॉर्वे, स्वीडन और जो इंडियन अंपायर है उन खातर यू अलाउड था। और जो इंडिया के डिप्लोमेट्स हैं वे भी इसने यूज करे करें थे बहरल देशों में जान खातर, और जो अपनी संधि या फिर कोई और भी मुद्दा छेड़ने खातर अगर उन्हें बहरल देश में जाना करे था तो उन्हें स्पेशल डिप्लोमेट्स पासपोर्ट दिया जावे था अंग्रेज अफसर द्वारा, तो मैं इस चीज ने लागू कर देख रहे थे। बात करें इसके लुक की तो सबसे पहले इसके ऊपर लिखे हुए करता ब्रिटिश इंडियन पासपोर्ट, और उसके नीचे इनका लोगो ये करता था, उसके नीचे लिखे रहे करता इंडियन एम्पायर, और उसके नीचे उस टाइम के वायसराय के साइन हुए करे थे। बात करेंगे पासपोर्ट किस किस ने अलाउड था, कौन कौन इस पासपोर्ट नंबर में सके थे, और इस पासपोर्ट के थ्रू ऑल ओवर द वर्ल्ड जो वर्ड ट्रैवल कर सके थे। सबसे पहले आप बात करेंगे इसकी जो चार कंडीशन थी, सबसे पहले थी ब्रिटिश सब्जेक्ट होना चाहिए, ब्रिटिश अधिकारी होना चाहिए या उसकी संतान होनी चाहिए, दूसरी जो कंडीशन थी वो ब्रिटिश प्रोटेक्टेड पर्सन होना चाहिए, यानी कि जो बंदा ब्रिटिश अधिकारी या फिर ब्रिटिश सरकार के अंडर में काम कर रहा है बेशक वो इंडियन मूल का हो या फिर किसी भी मूल का हो, तो वो उसने अलाउड कर सके थे उस टाइम पर वो पासपोर्ट बनाने खातर, और वो ऑल ओवर द इंडिया एज ए डिप्लोमेट्स ट्रैवल कर सके था। तो तीसरी कंडीशन थी स्पाउस, वो स्पाउस रिलेट करना चाहिए ब्रिटेन था, यानी कि जैसे किसी ब्रिटिश आदमी का किसी इंडियन महिला के साथ विवाह हो जाता है तो उसके बाद जो उसको भी अलाउड कर देते थे ये ब्रिटिश इंडियन पासपोर्ट। चौथी कंडीशन थी विडो, तो उसने भी यू पासपोर्ट अलाउ हो गया था। सब तो मेन बात क्या थी, यू पासपोर्ट था जो वो अलाउड था 5 साल खातर, और 1922 में इसकी फीस थी 1 रुपया जो आज के टाइम पे है 1500 कुछ है, और जो इसकी आगे जाकर बढ़ाई गई थी महंगाई ने देख दो इसकी आगे जाकर फीस बढ़ाई गई थी 1933 में, यानी कि 11 साल बाद इसकी फीस थी 3 रुपए। हाँ जी, उस टाइम के 3 रुपए भी बहुत ज्यादा होए करते थे, तो उस टाइम पे उसकी जो फीस थी पासपोर्ट बनाने की, इशू करने की, सारी जो ऑल ओवर द प्रोसेस है वह 3 रुपए थी 1933 में, जो 11 साल बाद बढ़ी थी 1922 के बाद। ये कुछ फोटो हम अपनी स्क्रीन पे इस टाइम देख सको हो, सोशल मीडिया पर जो अपलोड करी थी अंशुमन सिंह के नाम के आदमी ने, जिसमें लिखा था कि उसके ग्रैंडफादर का जो ब्रिटिश इंडियन पासपोर्ट है जो उसने मिला है। अगर आप इस पासपोर्ट की बात करें, आप रिलेट करें जोड़ से आपने बात वीडियो के स्टार्टिंग में बताई थी मैं इस चीज तक कितनी रिलेट करा है, तो था ना ये बुरा है का प्रूफ भी मिल जाएगा इसमें हम देख सको। इसमें सबसे पहले लिखा है ब्रिटिश इंडियन पासपोर्ट, नीचे वही लोगो है, और नीचे लिखा है इंडियन एम्पायर, और उसके नीचे लिखा है सेम सिग्नेचर हुए हैं पूरा,
अगर आप इसके दूसरे पेज की बात करें तो यू जो है लाहौर में इशू हुआ था जुलाई 1931 में, यह चीज जो है इशू हुई थी यू पासपोर्ट। नीचे वही मोर लगी है गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की, और नीचे लिखा है बाय ऑर्डर ऑफ वाइसरी एंड गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, नीचे साइन हुए हैं होम सेक्रेटरी ऑफ गवर्नर गवर्नमेंट ऑफ पंजाब। तो हम देख सको हो कितना कुछ चेंज आ गया 100 साल में, और किस तरह जो है इस पासपोर्ट की जो कंडीशन पहला थी और किस तरह आज है। अगर आप इसके फोर्थ पेज की बात करें तो इसमें लिखा है कि वो देश जहां यह चीज जो है वैलिड होगी, यानी कि जिसने आप आज की कंडीशन में कह दिया है वीजा, कि आप अगर कोई सी दूसरी कंट्री में जावा तो अपना पता हुआ है कि अपन उस कंट्री का वीजा चाहिए, और जो पासपोर्ट है आप उस पासपोर्ट के थ्रू आप ट्रैवल कर सका सिर्फ उसी कंट्री के अंदर। तो पहला यू वीजा इस बंदे का कड़ा लग गया था केनिया कॉलोनी एंड इंडिया, जो उस टाइम पर केनिया में यू जा सके था और सिर्फ और इंडिया में यू ट्रैवल कर सके था, यानी कि ऑल ओवर द इंडिया एंड केनिया, यानी कि एक हिसाब का थम ला लो भाई। केनिया का इसका वीजा लग गया था। वैलिडेशन ऑफ पासपोर्ट एक्सपायर होगा 3 जुलाई 1936, यानी कि वही जो मैं बात था ना बता रहा था, 5 साल का जो इसका वीजा भी लगा लो और पासपोर्ट भी लगा लो, क्योंकि जब ये पासपोर्ट दोबारा रिन्यू करावेगा, अगर इसने दोबारा कड़ी जाना होगा तो इसने अपना वीजा भी रिन्यू कराना पड़ेगा, अगर किसी ने इसने किसी और कंट्री का चाहिए या फिर सेम कंट्री का चाहिए। यू इशू हुआ था लाहौर में, डेट है 3 जुलाई 1931। तो था ना देख लिया होगा यू, मैंने एक सिर्फ एक एग्जाम्पल दिया था, तो जो सी मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में बात करी थी, मैं आसान बताऊंगा जो से पहले के स्वतंत्रता सेनानी थे, बात करूं सुभाष चंद्र बोस की, उनका किस तरह के पासपोर्ट ओए कर रहे थे, और जिस तरह महात्मा गांधी थे मैं साउथ अफ्रीका पढ़ने खातर गए थे, लंदन कितनी बार आए थे, तो उनका जो ट्रैवल हुआ था तो उनका पासपोर्ट किस तरह का था दिखने में, और के उस पर चीज लिखे कर दी कड़े था। महात्मा गांधी का जो पासपोर्ट है वो इशू हुआ था ना, सारी की सारी डिटेल बताऊंगा, तो हम अपनी स्क्रीन के ऊपर देख सको हो महात्मा गांधी के पासपोर्ट की थोड़ी सी झलक, और इसमें था ना बताऊंगा इसमें के लिख रहा है कड़ा कड़ा था, इसमें इशू हुआ था और के बात है सारी सारी था डिटेल में बताऊंगा। बात करेंगे महात्मा गांधी के पासपोर्ट की, तो हम अपने स्क्रीन पे इस टाइम देख सकते हो, मैं था ना सारी सारी डिटेल में गेल बताऊंगा रहूंगा। सबसे पहला जो इसका पहला पॉइंट है इसमें लिख रहा है बॉम्बे 28 अगस्त 1931 में जो महात्मा गांधी का जो पासपोर्ट है वो इशू हुआ था, हम इसके साइड में उनकी फोटो भी देख सकते हो, और उसके बाद इसमें जो इनका फुल नेम लिख रहा है मोहनदास करमचंद गांधी, और बॉम्बे के अंदर इशू हुआ था, और इनका जो पासपोर्ट इशू हुआ था एज ए ब्रिटिश प्रोटेक्टेड पर्सन, यह सब्जेक्ट लगा लो। आगे इनकी डेट ऑफ बर्थ लिख रही है पोरबंदर, और 1870 में इनका जो जन्म हुआ था। अब इसका जो ट्रैवलिंग का पर्पज था, तो इनका वीजा जो है वो कौन कौन सी कंट्री के अंदर उस टाइम पर जो ब्रिटिश सरकार है उसने लगाया था, इसमें नीचे लिख रहा है ट्रैवलिंग टू यूनाइटेड किंगडम, यानी कि पूरे ऑल ओवर द यूके के अंदर ये ट्रैवल कर सकेंगे थे उस टाइम पर, फ्रांस इटली स्विट्जरलैंड, और आगे लिख रहा है फॉर अटेंडिंग द राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, उस टाइम पर जो 1931 में हो रहा जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी यूरोप में, तो वो इसने अटेंड करने खातर यूरोप गए थे, और उनका जो वीजा अलाउड करा था ब्रिटिश सरकार ने एज ए ब्रिटिश प्रोटेक्टेड पर्सन, तो हम समझ सको हो, बाकी मेरे ज्यादा कहने की जरूरत होनी भी नहीं चाहिए। और अगर आप नीचे आवेंगे तो इसमें नीचे लिख रहा है, बाकी कुछ साफ तो देखना नहीं मिल सकता क्योंकि 100 साल पहले तस्वीर जो है खींची गई थी, 100 साल पुरानी है, तो फिर भी जितना वह ट्राई करेंगे उतना पढ़ने की कोशिश करेंगे, तो थाना बताते रहेंगे। तो इसमें अगर आप तो इसके दूसरे पेज की बात करें, जोड़ी इनकी नीचे फोटो लग रही है, तो उसके ऊपर अगर हम डायरेक्ट देख सको, इसमें एज लिख रही है 61 ईयर 61 साल के थे उस टाइम पर महात्मा गांधी। इसमें नीचे लिख रहा है कि बैरिस्टर हैं बट एटलीस्ट नॉट प्रैक्टिसिंग, क्योंकि उस टाइम पर इन्हें अपनी प्रैक्टिस छोड़ दी थी, जब 61 साल के थे इन्हें अपनी प्रैक्टिस छोड़ दी, बेशक ये वकील थे पर इन्हें अपने केस का लड़ना जो है बंद कर दिए थे उस टाइम पर। और नीचे लिख रहा है मैरिड, जो इनका मार्शल स्टेटस है वो मैरिड है, और उसके बाद जो नीचे आप आवांगे तो इनमें की हाइट लिख रही है 5 फुट 4 इंच के थे, और जो कलर ऑफ स्किन है वो ब्लैक था, और बाकी था इनके नीचे फोटो देख सको, क्योंकि उस टाइम पर तो ब्लैक एंड व्हाइट फोटो होए करें थी, और इन ब्लैक एंड व्हाइट फोटो का जो रिवाज था, और इन थरता दिखाया मैंने महात्मा गांधी का जो पासपोर्ट उस टाइम पर किस तरह था। और उस टाइम पर एक और बड़े कद्दावर नेता माने जाए करें थे मुसलमाना के, और उनका नाम था मोहम्मद अली जिन्ना, तो आप उनके पासपोर्ट की भी था ना कुछ झलकियां जो हम दिखा देंगे। अगर आप इसके पहले पेज की बात करें तो इसमें लिख रहा है बैरिस्टर, प्रोफेशन क्या था उनका बैरिस्टर, क्योंकि वो भी वकील थे, महात्मा गांधी वकील थे और मोहम्मद अली जिन्ना भी वकील था। और उसके बाद जो प्लेस एंड डेट ऑफ बर्थ, प्लेस जो था इनका जन्म का कराची था, कराची जो आज के टाइम पर पाकिस्तान में और पहला जो इंडिया के अंदर था।
और उसके बाद वो बात करेंगे डेट ऑफ बर्थ की 25/12/1876 और यू जो पासपोर्ट बना था इनका बॉम्बे में बना था। हाइट इनकी लिख रही है 5 फुट 2.5 इंच और उसके बाद जो है कलर ऑफ स्किन है जो डार्क ब्राउन एंड नीचे एक जिस तरह आप आज के टाइम पर अगर आप पासपोर्ट बनवावा तो आज के टाइम में भी इसी चीज लिखी जा है कि अगर आपके शरीर पर कोई निशान हो जो ऐसा आपकी आइडेंटिटी शो कर सके। आज के टाइम पर चलिए बायोमेट्रिक सिस्टम चल गया तो आप उस चीज ने बता सका कि अपना जो पासपोर्ट है वो लीगल है या नहीं, कोई डुप्लीकेट नहीं बनवा रहेगा क्योंकि पहले जमाने में तो जिस तरह सारी जो साइन और सिर्फ में फोटो ही चेंज करनी हो रही थी या फिर कड़ी का मोर ठैक है उसने लगा का तो मतलब पहला जो ट्रैवल कर सके थे तो इस करके जो है यू एक निशान लिखा करता है। तो इसमें लिख रहा है मोल ऑन द नेक कि उनकी गर्दन पर जो एक तिल का निशान है तो इस तरीके से हमें इस चीज ने आइडेंटिफाई कर सके थे भी यू वही बंदा है कि नहीं जिसका यू पासपोर्ट है। उसके दूसरे पेज पर देखांगे आप तो इसकी फोटो लग रही है और यह मोर है उरा गवर्नमेंट ऑफ सिंध की। एक पहला धारता पासपोर्ट दिखा था गवर्नमेंट ऑफ कराची का, उसके बाद उसका पहला धारता दिखा था गवर्नमेंट ऑफ लाहौर का और गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का। तो यू गवर्नमेंट ऑफ सिंध क्योंकि यू सिंध तक बना था पासपोर्ट और इसकी फोटो लग रही है। अर्जुन से इसका तीसरा पेज है, इस पर लिख रहे हैं पासपोर्ट गिवन एट कराची, कराची में यू पासपोर्ट अलाव हुआ था 28 नवंबर 1946 में जो यू पासपोर्ट बने था यानी कि उनको दिया गया था। और उसके बाद आप बात करेंगे जो इसका लास्ट पेज है उसके ऊपर लिख रहे हैं मिस्टर मोहम्मद अली जिन्ना, इनका नाम लिख रहे हैं नीचे लिख रहे हैं ब्रिटिश सब्जेक्ट। द सेम सिचुएशन थी जब आपने महात्मा गांधी के पासपोर्ट की पूरी विवरण कराया था उसमें भी चीज लिख रही थी कि ब्रिटिश सब्जेक्ट थे जिन्हें यू पासपोर्ट जो है अलाउ कराया था उस टाइम की कंडीशन पर उस टाइम की सिचुएशन पर कि ऑल ओवर द वर्ल्ड जड़ा जड़ा ब्रिटिश पासपोर्ट ब्रिटिश इंडियन पासपोर्ट जड़ा जड़ा अलाउड है ऑर्डर में जैसे कहें हैं और दोनों सी सेम सिचुएशन है वह इसके लिए थी। पर आपने बात करी थी सुभाष चंद्र बोस जी के बारे में तो उनकी कंडीशन में यह चीज अलाउड नहीं थी क्योंकि वो एक कद्दावर नेता थे और न्यू माना जाया करता भाई अंग्रेजा की नाक में दम कर रहा है सुभाष चंद्र बोस ने तो वे किस तरह ट्रैवल करके बर्मा में जापान में किस तरह बगे किस तरह उन्होंने अपनी आजाद हिंद फौज की स्थापना करी इसके बारे में भी एक अलग से वीडियो लेकर आवेंगे। पर अगर आप बात करेंगे पासपोर्ट की तो उन्हें वह अफगानिस्तान में गए थे तो उठा जाएगा मैं किसी एम्बेसी के थ्रू जैसे कि एक फिल्म भी आई सुभाष चंद्र बोस की उसमें बिठाना देखे होगा कि मैं एक एम्बेसी के थ्रू किसी और कंट्री का पासपोर्ट लेकर यूरोप की एक कंट्री थी उनका एक पासपोर्ट लेकर उनके एज ए सिटीजन बनकर अपना नाम चेंज करके हमें बर्मा गए थे और उड़ा जाकर उन्होंने जो पहली वर्ल्ड वॉर के बाद जो इंडिया के सिपाही थे जो उनसे बैरले देश में फंस गए थे खास करके जर्मनी में उड़ जाकर हिटलर तभी मिले थे और अपने जो उनसे सिपाही है उन्होंने उड़ जाते छुड़ाया क्या भाई हम अपनी कंट्री खतर लड़ो और ऐसा मोटिवेशन देकर हमें इंडिया में लेकर आए थे और उसके बाद जाकर अपना देश आजाद होया था। और पासपोर्ट तो उन्हें अलाउड कौन था क्योंकि पासपोर्ट उस टाइम पर उन्हीं बंदे ने अलाउड था जिसने अंग्रेज पसंद करे थे जो अंग्रेज जाके काम आए करे था उन्हीं बंदे ने पासपोर्ट अलाउड था उस टाइम पर। तो बाकी मैंने ज्यादा कुछ कहने की जरूरत नहीं था हम समझ ही गए होंगे। तो आज की वीडियो जो है वह पूरी समाप्त करांगे आज की करंट सिचुएशन के पासपोर्ट के थाने बारे में थाना बेरो 1500 रुपये उसकी नॉर्मल फीस है 2000 रुपये उसकी इमरजेंसी फीस है 4 तरीके के कलर हो जो सा नीले कलर का हुआ वह नॉर्मल सिटीजन खातर हुआ है जो सा व्हाइट कलर का हुआ है वह जो से गवर्नमेंट की तरफ से भेजे जा नुमाइंदे उन खातर हुआ है जो सा ब्राउन यानी कि थोड़ा सा लाल कलर का हुआ है रेडिश ब्राउन जिसने आप कहते हैं वो हुआ डिप्लोमेट्स खातर और एक और कलर हुआ है वो जो से स्पेसिफिक बंदे हुए हैं इंडियन गवर्नमेंट द्वारा अलाउड होगा वो सिर्फ उन्हीं खतरा अलाउड होगा। तो आज की वीडियो समाप्त करेंगे। जयराम जी की जय भारत जय हरियाणा जय हिंद। अपने बड़े रहो अपने चैनल गल नई नई वीडियो लेकर आवेंगे खास खास।